सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय संध्या चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या .com में। आज हम बनाने जा रहे हैं फीकी और मीठी मट्ठी जो करवा चौथ पूजा में चढ़ाई जाती है। एक बार देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी मीठी और फीकी मट्ठी बनाने के लिए। 300 ग्राम मैंने मैदा लिया है जो पहले से छान के रख लिया है, 200 ग्राम चीनी लिया है, मैदे में डालने के लिए 50 ग्राम ऑयल लिया है और ये ऑयल लिया है फ्राई के लिए। दोनों मट्ठी हम इसी से बनाएंगे। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, मैदा रखेंगे इसमें, ऑयल रखेंगे मोयन वाला, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। मैदे में ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है। बिल्कुल हल्का हल्का पानी का छींटा मारते हुए मैदा को गूंथेंगे। आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख लेंगे। आटा को ढक के रखे हुए 10 मिनट हो चुका है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। लोइया कट कर लेंगे। जो करवा चौथ वाली मट्ठी होती है वो साइज में बड़े बड़े होते हैं। लोइया बना लेंगे इसकी। थोड़ा सा हाथ से इसको फैला लेंगे। लोइया बनाने के बाद ऐसे इसको बेल लेंगे। बहुत पतला नहीं बेलना है, मट्ठी के इतना मोटाई रखना है हमें। ऐसे करते हुए सारी मट्ठी को हम तैयार कर लेंगे। सारी मट्ठियों को मैंने तैयार कर लिया है बेल के। गैस ऑन कर लेंगे, कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे गर्म होने के लिए। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको पलट देंगे। मट्ठी अच्छे से फ्राई हो चुका है, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है इसका। निकाल लेंगे ऑयल से इसको और ऐसे ही करते हुए सारी मट्ठियों को फ्राई कर लेंगे। सारी मट्ठियों को मैंने फ्राई कर लिया है। ऑयल वाला कढ़ाई एक साइड में रख लेंगे। दूसरा बर्तन रखेंगे चाशनी बनाने के लिए। एक कप पानी रखेंगे। चीनी रखेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, चीनी को मेल्ट होने देंगे। चाशनी हमें दो तार की तैयार करनी है। चाशनी एक बार चेक कर लेते हैं। एक प्लेट लेंगे, कुछ बूंदे इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर चेक करेंगे। अभी थोड़ी सी और पकेगी चाशनी। एक तार निकल रही है, हमें दो तार की चाशनी बनानी है। एक बार चाशनी चेक कर लेते हैं। एक प्लेट लेंगे, कुछ बूंदे इसमें डालेंगे चाशनी की, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको चेक करेंगे ऐसे उंगलियों के बीच रख के। थोड़ा सा और पकाएंगे, अभी एक तार निकलना स्टार्ट हुआ है। चाशनी तैयार हो चुकी है, मट्ठी डालेंगे इसमें, इसको अच्छे से डिप कर लेंगे। चाशनी में मट्ठी को छोड़ना नहीं है हमें, ऐसे डिप करते हुए निकालते जाएंगे।
करवा चौथ की मठियाँ बनकर बिल्कुल रेडी हैं। ये मीठी मठियाँ हैं, चाशनी वाली, और ये फीकी हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। और आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।